जनपद रुद्रप्रयाग के नौजोला क्षेत्र की आराध्य देवी मां चंडिका नावी 32 सालों बाद अपने 7 महीनों की देवरा यात्रा के दौरान लगभग 2000 गांवों का भ्रमण करते हुए अपने नजदीकी गांवों का भ्रमण कर भक्तों को आशीर्वाद दे रही हैं। आपको बता दें कि तल्ला नागपुर के नौजोला क्षेत्र की आराध्य मां चंडिका नावी देवी माह नवम्बर 2023 से चारों दिशाओं की देवरा भ्रमण पर निकली थी। लगभग 7 महीनों की लंबी देवरा यात्रा के बाद माँ चंडिका नावी देवी अपने गृह क्षेत्र में सबसे प्रमुख शिवपुरी गांव के बर्तवाल कोठा में रात्रि प्रवास पर पहुंची, जहां माता का बर्तवाल परिवारों द्वारा देवी पूजा अर्चना का स्वागत किया गया, जिसके बाद देवी ने सभी ग्रामीणों का आरोग्य सुख शांति का आशीर्वाद दिया। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। समय देवी अंतिम चरण के बनियाद के घर दीवारा कार्यक्रम में है। ये घर दीवारा कार्यक्रम के पश्चात दिनांक 7 से 15 तक देवी का महायज्ञ का आयोजन बनातोली में किया जाएगा। 14 तारीख जून को जल यात्रा है और 15 को पूर्णाहुति के साथ देवी सभी का कल्याण करे, सारे क्षेत्र में खुशहाली लाए, यही सारे से। और इसी के साथ आप बहुत बहुत धन्यवाद सब माँ भक्ति अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। जय माँ भक्ति, जय चंडिका, जय बाबा दुर्गेश्वर। और हम लोगों ने जो है बड़ी कठिन तपस्या, सभी भक्तगणों ने जो है नंगे पांव चलकर जो है विभिन्न गांवों का भ्रमण करते हुए चारों दिशाओं का जो है यात्रा करने के उपरांत अब जो है ये घर दीवारा हमारा जो है यहां पे अब लगभग समाप्त की ओर चल रहा है। और इसमें सभी भक्तों का और सभी जो नौजोला वासियों का जो है बड़ा सहयोग रहा है। मैं समस्त नौजोला वासियों का जो है धन्यवाद करना चाहूँगा। और इसी प्रकार माँ चंडिका हम पे आशीष बना रहे, ताकि जो है सभी भक्तों के घरों में सुख शांति रहे। माँ चंडिका की जो भव्य दीवारा यात्रा है ये समाप्ति की ओर है। और माँ भक्ति की जो 7 माह की जो ये दीवारा यात्रा रही बहुत ही अच्छी रही। बहुत सब जो है सभी जो है जो दीवारा यात्री थे सभी स्वर संपन्न रहे, बहुत अच्छे ढंग से जो है चारों दिशाओं की यात्रा की। माँ भक्ति ने जो है अभी जो है जन मानस जो है माँ का जहाँ भी जा रहा था वहाँ जो है माँ की डोली जहाँ भी जा रही थी उसके पीछे जो है सभी जो है महिलाएं बुजुर्ग बच्चे जो है सब जो है प्रतिबद्ध होके जो है चले थे, माँ की भक्ति के पीछे लीन थे।